वैसे तुम आज दिन भर क्या कर रही थी? अरे ट्वाइलाइट, वो ही ना जो वैम्पायर मूवी है। हाँ, पागल हो के तुम, ये 21st century है, इसमें वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती, समझी? पागल हो गई हो शायद तुम ये मूवी देखते देखते। ये वैम्पायर्स वगैरह कुछ नहीं होता है। अब चलो जल्दी। A few moments later. आ जाइए हैरी, लंच रेडी है। थैंक्स। सो गाइस, ये है किम, हैरी टे का हस्बैंड। ये एक बिजनेसमैन होता है बुसान में। ये बिहेवियर से काफी स्ट्रिक्ट रहता है एंड ये अपने बिजनेस से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड यस, ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल इंसानों जैसे। अभी मैंने नॉर्मल ये वर्ड क्यों यूज किया वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी ऐसे मत पूछना कि ओ गॉड ओनली, इसको टे का हस्बैंड क्यों बनाया, जंगू कहाँ पे है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए, राइट? एंड यस, ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करूंगी। वैसे हैरी, आप सियोल क्यों जा रहे हो? ओ हाँ, वो एक्चुअली एक बिजनेस पार्टी अटेंड करने। बिजनेस पार्टी किसकी? जेनी तुम्हें बता देंगी। ओके, फिर हैरी खाना खा के वहाँ से चला जाता है। गुड मॉर्निंग। ओह जेनी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मेरे टे को, इतने सैड क्यों लग रही हो? एक मिनट, कहीं हैरी ऊपर ने फिर से तुम्हारे साथ खड़ूस जैसे तो बातें नहीं की? ऐसी कोई बात नहीं है जेनी। बाय द वे, मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। हाँ पूछो पूछो। तुम्हें पता है क्या हैरी सियोल में किसकी पार्टी अटेंड करने गए? ओह गॉड, फिर से तुम्हें ओप्पा ने नहीं बताया, राइट? इट्स ओके जेनी, तुम्हें पता है ना, तुम बता दो। बट ओप्पा क्यों इतने स्ट्रिक्ट और खड़ूस जैसे बिहेव करते हैं टे तुम्हारे साथ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जेनी ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। बट तुम बताओ ना, वो किसकी पार्टी अटेंड करने गए हैं सियोल? सो गाइस, ये है किम टेम, किम हैरी की वाइफ। इसका बिहेवियर बहुत स्वीट एंड बहुत काइंड हार्टेड रहती है। ये 20 ईयर की रहती है, कॉलेज स्टूडेंट। बट जब से इसकी शादी हुई है, ये तब से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करती है, ना कि कॉलेज में जाती है। एंड यस, टे 100% नॉर्मल है, विच मींस ह्यूमन। एक बात याद रखना कि मैं जिनको भी नॉर्मल कह रही हूँ, उनकी काउंटिंग इंसानों में होंगी, ठीक है? और बाकी का तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। हाँ, वो एक्चुअली ओप्पा जियोंस की पार्टी में जा रहे हैं सियोल। वहाँ पे कोरिया के एंड अदर कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड सम पॉलिटिकल्स आ रहे हैं, वो भी पार्टी अटेंड करने। दिस इज किम, जेनी, किम हैरी की छोटी बहन। स्वीट एंड काइंड हार्टेड, अपने भाई के बिल्कुल अपोजिट रहती है। ये कॉलेज स्टूडेंट रहती है, लेकिन ये टे की तरह घर पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती, बल्कि ये रोज कॉलेज अटेंड करती है। एंड यस, जेनी भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ओह बट ये जियोन्स कौन है जेनी? नो वे टे, क्या तुमने कभी नहीं सुना जियोन्स के बारे में? नहीं, एक्चुअली हम तो भूसान में रहते हैं ना, एंड वो सियोल में। फिर भी टे जियोन्स कोरिया के रिचेस्ट टॉप 5 पीपल में से आते हैं, एंड उनकी जो जियोन ग्रुप कंपनी है ना सियोल में, तुम यकीन नहीं करोगी, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है सियोल में, ऐसे हैरी ओप्पा ने कहा मुझे। और तो और, उनके अदर्स बहुत सारे साइड बिजनेस भी है अलग अलग सिटी में। यू नो टे, वन वर्ड में जियोन्स वन ऑफ द रिचेस्ट एंड पावरफुल फैमिली है कोरिया में। उन्होंने हैरी को पर्सनली इनवाइट किया है क्या उनकी पार्टी में? अरे नहीं, फिलहाल तो ओप्पा को जानते भी नहीं होंगे। वो एक्चुअली ओप्पा ने उनके सेक्रेटरी के साथ आई थिंक कांटेक्ट किया था। जियोन से यहाँ बुसान के आउटसाइड एरिया पे एक जगह देख रहे हैं, जहाँ पे उन्हें उनकी फैक्ट्री ओपन करनी है। एंड जैसी जगह उन्हें चाहिए, वैसे
से तो हैरी उप्पा ने उनके सेक्रेटरी के साथ कांटेक्ट किया एंड इस तरह से हैरी उप्पा को इनविटेशन मिल गया। ओ वैसे तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो जेनी, वो भी जियोंस के बारे में? मैंने उन्हें कभी फेस टू फेस तो नहीं देखा, लेकिन हैरी उप्पा से बहुत बार उनके बारे में सुना है। तुम्हें तो पता है टेम, मुझे ये बिजनेस विजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हैरी उप्पा है कि मुझे हर बार बताते रहते हैं। हाँ पता है। मेरा बेबी पूरी तरीके से बिगड़ गया।
हे माय बॉय, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो शुगा। हाँ बिल्कुल आपके जैसा। हाँ बिल्कुल मेरे जैसे। ये है आर्यन, जिम का हस्बैंड एंड जियोन ग्रुप कंपनी का चेयरमैन। ये अपने फैमिली एंड बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं। ये इतना रिच एंड पावरफुल होने के बाद भी इसे जरा भी घमंड नहीं रहता है। एंड यस, ये अदर मेंबर जैसे ही नॉर्मल रहता है। बाय द वे डैड, मॉम कहाँ है? ओह गॉड, वो तो जियोन के साथ किचन में थी ना। शिट, फिर तो पक्का अंकल के साथ डांस कर रही होंगी। ओह गॉड, क्या करूं मैं इन दोनों का। एक जीनू है जिसे डांस आता नहीं, और दूसरी तरफ जेहोप है जिसे डांस सिखाए बिना रहा जाता नहीं। और शुगा, तू ऐसे खुले में स्मोकिंग करते फिर मत, अगर तेरे मॉम ने दिख लिया ना तो। क्या डैड, आप क्यों डरा रहे हो मुझे? बेटे, दैट्स व्हाई मैं तुझे अच्छे से बता रहा हूँ, नहीं तो जीनू देख ली ना तो तेरे साथ मेरी भी चटनी बना देंगी। रिलैक्स डैड, ये शुगा लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट एंड सम टाइम कंपनी के वर्क्स भी बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। इसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सैवेज होता है। ये अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड यस, ये भी अदर मेंबर्स जैसे ही नॉर्मल रहता है। यूनी बेबी, यूनजून जल्दी उठो बेटा, देखो टाइम क्या हो रहा है। हाँ मम्मा, प्लीज थोड़ी देर। ओके सो गाइस, ये है होबी की सस्ती कॉपी धोबी, यूनजून। सच ए नॉटी बॉय, जस्ट लाइक हिज फादर। ये फैमिली में सबसे छोटा एंड मम्मस बॉय है। जिन यूनजून को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसको उसके मोम की याद नहीं आने देती। एंड यस, यूनजून भी अदर मेंबर्स जैसे नॉर्मल रहता है। नहीं बिल्कुल भी थोड़ी देर और नहीं, चलो जल्दी उठो यूनजून। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो बेबी कि आज हमारे घर बिजनेस पार्टी है। मैंने तुम्हें लिटरली सुबह से 10 बार बताया यूनजून कि दोपहर में मत सो बेबी, लेकिन तुम हो कि सो गए। और अब देखो 7 बज रहे हैं शाम के, अभी पापा के बिजनेस क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जल्दी से उठो। मॉम, आपको तो पता है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस के बोरिंग से पार्टी में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ही बातें चलती है। अरे कैसे पसंद होंगी भाई, तुम मेरी औलाद है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद तो तुझे कैसे पसंद होंगी। हाँ हाउ ड्रामेटिक मॉम। अच्छा खुद को देखा है कितना ड्रामेटिक है तू, तुझे तो एक्टर बनना चाहिए बेबी, है ना? मैं भी यही कहता हूँ जब मैं खुद की शक्ल मिरर में निहारता हूँ। ये भी तो टैलेंट तूने मुझसे ही सीखा है। What the fuck? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।